नमस्कार, बोल केला बाजार है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या कोई ऐसी हद है जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार नहीं करना आता? क्या कोई ऐसी रसातल है जहां पर ये दफन नहीं होना चाहते? क्या संवेदना नाम की कोई भी चीज रह गई है? रत्ती भर भी संवेदना इनमें रह गई है? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुने मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीरी लड़कियों के संदर्भ में क्या कहा और फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आखिर बुजुर्ग लोग, भगवान लोग, कोई भी व्यक्ति इस बात को समझेगा तो आने वाले समय में ये संकट खड़ा हो सकता है। लड़कियां कम और लड़के ज्यादा हो जाए तो हमारे धर्मपति जी ने कहा कि हाथ से लड़ पड़ेगी। अब कुछ लोग कहने लगे आप तो कश्मीर पर भी आवाज ले आएंगे, पता की बात अलग है, लेकिन समाज में एक सुना आपने। उन्होंने कहा कि जैसे एक जमाने में कहा जाता था कि हम बिहार से लड़कियां लाएंगे और आजकल धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर से लड़कियां लाने की बात हो रही है। देखिए, मजाक की बात अलग है। दोस्तों, मैं पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। पहले ANI, जो कि कहीं ना कहीं सरकारी माउथपीस बन गया है, उसकी खबर आती है और उस खबर के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा था कि जैसे हम बिहार से लड़कियां लेकर आए थे, उसी तरह से अब हम कश्मीर से लड़कियां लेकर आ सकते हैं। ANI ने जो खबर दिखाई थी, ऐसा मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल नहीं कहा। ANI ने अपनी गलती मानी, उसके बाद उन्होंने उस खबर को हटा दिया। मगर तब तक क्या हुआ दोस्तों, ANI की उस खबर को कई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने उठा लिया और इस गलत खबर को चला दिया। मगर सवाल क्या है यार दोस्तों, जिसका आपको अंदाजा नहीं है, जिसे आप महसूस नहीं कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर ने जो असली में बात कही है वो और भी ज्यादा संवेदनहीन है, वो और भी ज्यादा शर्मनाक है, वो और भी ज्यादा हदों को पार करती है। क्यों? क्योंकि कश्मीर से हम लड़कियां लेकर आएंगे ये इनके लिए मजाक है। कश्मीर से हम लड़कियां लाएंगे ये आपके लिए मजाक है। जो शर्मनाक, शर्मसार करने वाला पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है बीजेपी की IT सेल और इनके तमाम समर्थक, ये आपको मजाक लगता है? दोस्तों, पहले क्या हुआ था, जैसे ही अनुच्छेद 370 हटा, तब अचानक जो भक्त बैटरी है या जो IT सेल से जुड़े इनके लोग हैं, इन्होंने इस तरह के भद्दे जोक्स चलाने शुरू किए, जिसमें यह कहा था कि इंतजार करो, कश्मीरी लड़कियां आ रहे हैं भगवाधारी, या ये 3-4 लड़कियों को फोटो लगाकर ये कहना कि कश्मीर में होगी ससुराल तुम्हारी। फिर आपको याद होगा जमीन को लेकर इस तरह के भद्दे जोक्स चले थे, शाह प्रॉपर्टी के नाम से, यानी कि अमित शाह का जिक्र करते हुए, और बताया गया कि आप यहां जमीन खरीद सकते हैं। यानी कि एक बात स्पष्ट है, इनको अनुच्छेद 370 से कुछ लेना देना नहीं है। इनके लिए कश्मीर के मायने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा और वहां की लड़कियां हैं। और इस शर्मनाक बयान को देखिए, ये विक्रम सैनी है, MLA है बीजेपी के, इनकी भी वही सोच है कि अब हमारे लड़के जो है कश्मीर की गोरी गोरी लड़कियों के साथ शादी करेंगे। सुनिए, कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है और जो कुआरे हैं उनकी शादी वही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? पहले वहां देखो कितना महिलाओं पर कितना अत्याचार था। वहां की लड़की यदि किसी उत्तर प्रदेश के छोरे से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म, भारत की नागरिकता अलग, कश्मीर की अलग। यानी एक देश दो विधान कैसे होना चाहिए? और जो मुस्लिम कार्यकर्ता है अगर एक दो यहाँ बैठे हो रहे तो खुशी मनानी चाहिए, शादी वहां करवाना कश्मीरी गोरी लड़की से। एक जमाने में हुआ करता था कि जब कोई अत्याचारी, कोई आतताई एक देश पर हमला करता था और जैसे ही वो उस देश पर हमला करता था तो उसका पहला निशाना 3 चीजें होती थी, वहां की जमीन, वहां के धार्मिक स्थल और वहां की औरतें। भारतीय जनता पार्टी के इन समर्थकों ने यह साबित कर दिया है दोस्तों कि कश्मीर के मायने इनके लिए सिर्फ जमीन और लड़कियां हैं। कितनी घटिया सोच हो सकती है। और सबसे दुखद बात यह कि मनोहर लाल खट्टर जैसे लोग, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाई, ये कह रहे हैं कि ये मजाक की बात है। मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा कि इनके जो मंत्री हैं अनिल विज, ये उस बलात्कारी राम रहीम के कितने बड़े समर्थक थे।
50 लाख रुपए का की इन्होंने मदद दी थी, याद है आपको? यही नहीं, एक वीडियो था जिसके अंदर राम रहीम के सामने इनके एक और मंत्री नतमस्तक हो रहे थे, शीश झुका रहे थे, और जब उसे 20 साल की सजा मिली थी राम रहीम को, तब आंसू बहा रहे थे इनके तमाम मंत्री। तो मुझे हैरत नहीं होती किसी भी सूरत में। अब इनसे मिलिए, माननीय विजय गोयल बीजेपी के नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, क्या कह रहे हैं आप देखिए। धारा 370 का हटना, तेरा मुस्कुराना, वाकई ये क्या कोई वक्त है? ये कोई सेंसिटिविटी है? ये किस तरह की कॉमन सेंस है भाई? विजय गोयल जी, ना आप कश्मीर की कली के शम्मी कपूर हैं, ना जिस लड़की की फोटो लगाकर आप कह रहे हैं तेरा मुस्कुराना, धारा 370 का जाना, ना वो शर्मिला टैगोर है। तो कृपया इस मुगालते से बाहर आइए। मुझे वाकई हैरत होती है दोस्तों, इस पार्टी की सोच क्या है? ये सत्ताधारी पार्टी है, आप देख रहे हैं। देखिए, जो अब तक मैंने आपको, आपके सामने पूरी प्रस्तुति रखी है, उसमें क्या चीजें उभर कर आ रही है, प्रचार तंत्र से लेकर एमएलए से लेकर एक फॉर्मर मिनिस्टर से लेकर एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर, सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। इन सब की सोच एक सी है, इन सब के लिए कश्मीर के मायने सिर्फ वहां की जमीन और वहां की लड़कियां हैं। और मैं बताना चाहता हूं उन मध्यम वर्गीय परिवारों को, उन फॉरवर्ड कास्ट हिंदूज को जो इस तमाशे को देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ कश्मीरी लड़कियों का अपमान नहीं हुआ है, यह पूरे नारी समाज का अपमान है, पूरे नारी समाज का अपमान है। आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की राय रख सकता है? एक एमएलए इस तरह की राय रख सकता है? अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो वहां के लोग कौन हुए? वो भी तो हमारे अभिन्न अंग हैं। उनका अपमान करके आप क्या हासिल कर रहे हैं भाई? कहीं तो इस वैश्यत पर लगाम लगाइए आप। कितनी हदों को पार करेंगे आप? लक्ष्मण रेखा नाम की चीज सुनी है कि नहीं आपने? मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रधानमंत्री मोदी से, मोदी जी आपने खुद इस समाचार के मुताबिक अपने पार्टी के नेताओं से कहा था कि छाती ठोकना बंद कीजिए 370 पर, अभी आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी चुनौती है, उसे ना भूलें आप। आपने खुद कहा था इस मुद्दे पर बेवजह का जश्न ना मनाएं। यहां तो पार्टी के लोग और भी बद से बदतर हो रहे हैं। मोदी जी, मेरी आपसे अपील है, कृपया इन पर अंकुश लगाइए, इस सोच पर अंकुश लगाइए। भूल जाइए कुछ देर के लिए कि कश्मीर पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं ये जानना चाहता हूं हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। जब आप इस तरह का संवाद, इस तरह का नैरेटिव समाज में चलाते हैं, हमारे ड्राइंग रूम्स में चलता है इस तरह का नैरेटिव्स, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका असर हमारे बच्चों पर और हमारी युवा पीढ़ी पर क्या पड़ता है। आप लोगों को मैं फिलोसोफर लग रहा होऊंगा, आप लोगों को बेवजह का ज्ञान लग रहा होगा, मगर इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। वॉट काइंड ऑफ नेशन आर वी टर्निंग इन टू? हम कैसा देश बनते जा रहे हैं भाई? दोस्तों, बाकी दिल दुखता है, शर्मनाक बात है, इस तरह से अपमान किया जा रहा है हमारे देश की महिलाओं का। यह पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जिस धनखड़ साहब की मिसाल दे रहे थे, उन्होंने भी शर्मनाक बयान दिया था, आपको याद होगा कि चूंकि यहां लड़कियों की कमी है, लिहाजा हम बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। इनकी सोच पता चलती है, चाहे बिहार हो, चाहे कश्मीर हो या फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उन्नाव की उस बेटी के साथ क्या हाल किया है सत्ताधारी बीजेपी ने बताने की जरूरत है मुझे आपको? और उनके समर्थक हो या आप सभ्य समाज जो पूरी तरह से खामोश हैं, मुझे बताने की जरूरत है, आज आप सब एक्सपोज हो गए हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। पता चल गया है कि आप कितनी महान संस्कृति हैं, कितने संस्कारी हैं, ये सब आज एक्सपोज हो गया है। मैं निराशावादी नहीं हूं, आशावादी हूं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा ये सब चलता रहा और चलता रहेगा, मैं जानता हूं चलता रहेगा, ये सब चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और हम सब एक बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं, सोच के लिहाज से और अपनी हरकतों के लिहाज से।